हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आप लोगों के, कैसे हैं सब? तो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं आज सॉल्यूशन चैप्टर क्लास 12th लेवल का, ठीक है? तो बच्चों, ये हमारी नई सीरीज है, नया 2022 का आपका सॉल्यूशन चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा आपको। इवन मैंने 2019 में भी वीडियोस डाली हुई है सॉल्यूशन की, पर वो अब पुरानी हो चुकी है। अब नया ब्रांड लाते हैं, नई तरीके से सीखते हैं सारी चीज़ें, ठीक है? और आप लोग बने रहिए, कॉपी पेन निकाल लो, और क्या बोलते हैं, मेरी आप फिजिक्स की वीडियो भी देख सकते हो, इवन प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हो सॉल्यूशन की, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें भी बढ़िया है और कुछ नहीं है। तो आपको बस टाइप ये करना है सॉल्यूशन आरकेसी ऑनलाइन स्टडी, तो मेरी वीडियो आ जाएगी आपके पास, पुरानी वीडियो भी और नई वीडियो में जो इस बार बनने वाली है। तो वेलकम टू आरकेसी ऑनलाइन स्टडी, और पहले यह वीडियो डल रही है बच्चों सॉल्यूशन की, और लगातार फिर काम चलता रहेगा, बस आप बने रहिए साथ में। और सॉल्यूशन आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हो, तो थोड़ा सा याद दिलाने के लिए आप ये लाइन पढ़ सकते हो, ठीक है? जब तक मैं लाइट ऑन कर लूं, ठीक है? और लाइट हो जाएगी तो रोशनी रोशनी हो जाएगी, चांदना चांदना हो जाएगा, और पढ़ाई फिर मस्त होगी और, ठीक है? तो चलो बच्चों, आप डेफिनेशन वेफिनेशन नोट करो जब तक। ओके, देखो बच्चों, तो यहाँ पर सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन एक तरह का होमोजेनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा चीजों का जो सॉल्यूशन होता है, जो मिक्सचर होता है, जो हमें दिखता नहीं है, जैसे सांड और पानी। अब सांड क्या होता है, मैं ऐसे ही सैंड को सांड बोल देता हूँ, ठीक है? तो आपका सैंड और वाटर, सांड सैंड, ठीक है? तो क्या बोलते हैं, मट्टी, ठीक है ना? तो मट्टी और पानी को जब आपस में मिलाते हैं तो वो आपस में पहले तो ब्राउनिश कलर दे देता है, उसके बाद धीरे धीरे आपकी जो सैंड है वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है। तो कौन सा मिक्सचर बन गया? वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर बन गया, वो दिख रहा है बच्चों हमको, ठीक है? और होमोजीनियस, जैसे नमक और पानी को आपने मिला दिया, पर नमक आपका फिर दिखता नहीं है पानी के अंदर, आपने बहुत अच्छे से मिला दिया। काफी बच्चे ये बोलेंगे, हम तो अच्छे से मिलाएंगे नहीं, हम तो नीचे बिठा देंगे नमक को, बिठाते रहो तुम, मुझे क्या मतलब है, ठीक है भाई? हम तो चुटकी भर नमक लेंगे, उसको पानी में डालेंगे, उसको घोल देंगे, और हम बता देंगे हाँ जी नमक घुल गया, होमोजीनियस मिक्सर है, ठीक है? और इवन आप एक चम्मच भी अगर लेते हो, उसको भी अच्छे से घोल दोगे, बहुत अच्छे से घोल दोगे, इवन 5 मिनट तक घोलते रहोगे तो वो भी अच्छे से घुल जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो भी आपका होमोजेनियस मिक्सर बन जाएगा। तो सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सर होता है आपका, दो या दो से ज्यादा चीज होगा। और भी सॉल्यूशन बच्चों वैरायटी ऑफ चीजें पढ़ेंगे, सॉल्यूट सॉल्वेंट पढ़ेंगे, एक्वस सॉल्यूशन नॉन एक्वस सॉल्यूशन पढ़ेंगे बच्चों, और सॉल्यूशन तीन टाइप के होते हैं वो पढ़ेंगे बच्चों, तीन टाइप होते हैं, मतलब टोटल 9 तरीके के सॉल्यूशन आपको पढ़ना है। उसके बाद जाकर आपका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आता है, जिसमें आप 8 से 9 चीजें यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन पढ़ोगे, जिसमें मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, और ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद जाकर आपके फिर क्या बोलते हैं, हेनरी लॉ पढ़नी पड़ेगी, राउट्स लॉ पढ़नी पड़ेगी, एबनॉर्मल मोलर मास पढ़ना पड़ेगा, और तब जाकर हमारे ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद चैप्टर हो जाएगा खत्म। तो इतना सब कुछ हमें पढ़ना है बच्चों, तो ध्यान लगा के पढ़ो, एकदम कॉपी पेन निकाल के पढ़ो, और बी फोकस हो जाओ, बिल्कुल बी फोकस हो जाओ। अगर पूरे साल अच्छे से मेहनत करनी है तो रेगुलर पढ़ना शुरू करो, भले ही आधे घंटे पढ़ो, लेकिन पढ़ो जरूर। अपना आपको मुझे पता है आपको होमवर्क बहुत होगा, लेकिन होमवर्क से घबराने का नहीं है, होमवर्क कर लो आप, लेकिन आधा घंटा अपनी पढ़ाई का भी निकालो, सेल्फ स्टडी का भी निकालो, जो जो आपको पढ़ाया जाता है बस उतना पढ़ लो, उतना काफी है, उसी से आप बहुत अच्छे मार्क्स ले आओगे, मेरा वादा है ये आपसे, ठीक है? तो सॉल्यूशन क्या होता है? अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। और बच्चों सॉल्यूशन में ना क्या बोलते हैं, अगर आप वाटर ले लो, पानी ले लो, तो पानी आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहलाता है, पानी आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहलाता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। और उसके अंदर अगर आपने कुछ 5 ग्राम नमक डाल दिया, 5 ग्राम NaCl डाल दिया, ठीक है, तो वो कहलाएगा आपका सॉल्यूट। क्या कहलाएगा आपका? सॉल्यूट, ठीक है? तो जो आपके सॉल्यूशन में कम अमाउंट में होता है उसे सॉल्यूट कहते हैं, और जो ज्यादा अमाउंट में होता है उसे क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं। और बच्चों इसमें एक और चीज आती है, एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो बच्चों एक्वस और नॉन एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन का मतलब यह होता है कि यहां पे जो सॉल्वेंट होगा वो हमेशा पानी होगा। कौन होगा? पानी। सॉल्वेंट हमेशा कौन होगा? वाटर होगा। चाहे आप नमक को पानी के अंदर डालो, चाहे आप क्या बोलते हैं सल्फर को पानी के अंदर डालो, वैसे घुलेगा तो नहीं, आप किसी भी केमिकल को पानी के अंदर डालो तो वो एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा, अगर वो पानी में घुलेगा तो। लेकिन नॉन एक्वस क्या होता है? जहां पे बच्चों पानी प्रेजेंट नहीं होता, जहां पे सॉल्वेंट कुछ और होता है। तो सॉल्वेंट आपका बेंजीन हो सकता है, फॉर्मूला बता दो बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6
H6, ठीक है, और आपका क्या बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 हो सकता है, ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड CS2, ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट होते हैं, ये आपके क्या होते हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट, ठीक है। तो एक्वस सॉल्यूशन उसे कहेंगे जब हमारे पास सॉल्वेंट पानी होगा, और नॉन एक्वस उसे कहेंगे जब हमारे पास सॉल्वेंट पानी के अलावा होंगे, जैसे बेंजीन होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड होगा, कार्बन डाइसल्फाइड होगा, ऐसे सॉल्वेंट होंगे तो उन्हें नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। क्लियर हो गया बच्चों नॉन एक्वस सॉल्यूशन का। चलो अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ते हैं फटाफट, जल्दी जल्दी इसे नोट करो फिर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो मैंने कुछ ब्लॉक बनाए हैं आपको समझाने के लिए, ब्लॉक से शायद आप बहुत अच्छा समझ लो शायद, ठीक है, और किसी किसी को ब्लॉक पसंद आए तो कोई बात नहीं। देखो बच्चों, सबसे पहले सॉलिड सॉल्यूशन पढ़ेंगे, फिर लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ेंगे, और उसके बाद गैस सॉल्यूशन पढ़ेंगे, और इसके 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। तो सीरियल नंबर 1 जरा पहला सुनिए, सीरियल नंबर 1 सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के दोनों सॉलिड होंगे, ठीक है, दोनों के दोनों सॉलिड होंगे, मतलब सॉल्यूट भी मेरे पास सॉलिड होगा और सॉल्वेंट भी मेरे पास क्या होगा सॉलिड होगा, लिखा हुआ है सॉलिड एज अ सॉल्वेंट, मतलब मैं सॉलिड को सॉलिड में मिला रहा हूं, सॉलिड को किसमें मिला रहा हूं सॉलिड में। तो केमिस्ट्री ने इसको एक यूनिक नाम दिया और इसको सॉलिड सॉल बोलना शुरू कर दिया, सॉलिड सॉल बोलना शुरू कर दिया, सॉल्यूशन नहीं सॉल, SOL। जब हम सरफेस केमिस्ट्री आगे जाके चौथा चैप्टर पढ़ेंगे इसमें, तो उसमें आप सॉल, कोलाइडर सॉल, पॉजिटिव सॉल, नेगेटिव सॉल, बहुत सारे सॉल पढ़ोगे तो सॉल की कहानी यहीं से स्टार्ट होती है, ठीक है। और इसका एग्जांपल सॉलिड के अंदर सॉलिड मिला दिया बच्चों, ये सॉलिड के अंदर सॉलिड मिला दिया मतलब क्या हो गया, मतलब आपने एलॉय बना दिया ना, एलॉय, ठीक है, एलॉय, जैसे आपने 22 कैरेट गोल्ड के साथ किसको मिक्स कर दिया, 2% ऑफ सिल्वर को मिक्स कर दिया, 2% ऑफ सिल्वर, तो एलॉय बन गया ना बच्चों, ठीक है। लेकिन आपको आपको पता थोड़ी ना चलेगा कि सॉलिड के अंदर सॉलिड मिक्स है, वो 2% सिल्वर क्यों डालते हैं 22 कैरेट में, वो इसलिए डालते हैं ताकि वो थोड़ा मजबूती में आ जाए और हम उसको पहन सके नेकलेस के तौर पे, वुमेन्स पहन सके नेकलेस के तौर पर, ठीक है। अच्छा, दूसरा, जब मेरे पास लिक्विड हो और लिक्विड को मैं सॉलिड में डाल रहा हूं, लिक्विड मेरे पास कम है, सॉलिड मेरे पास ज्यादा है, ठीक है, तो बताओ क्या बनेगा बच्चों, बताओ डेली लाइफ में, लैब में आप करते रहते हो, CuSO4 5H2O इसका एग्जांपल होगा। आप मुझे बताओ कॉपर सल्फेट जब आप लैब में आप छुओगे, ब्लू कलर का होता है, तो उससे हाथ आपका गीला हो जाएगा क्या, गीला नहीं होगा, क्योंकि उसमें सॉलिड की मात्रा ज्यादा और लिक्विड की मात्रा क्या हो गई कम हो गई, तो हाइड्रेटेड हाइड्रेटेड सॉल्ट इसका एग्जांपल होगा, जैसे कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ठीक है, और भी एग्जांपल हो सकते हैं पर अभी फिलहाल इसके लिए इतना काफी है, और इन्हें हाइड्रेटेड सॉल्ट कहते हैं, हाइड्रेटेड क्या कहते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट कहते हैं। तीसरा बच्चों, तीसरा, जब गैस सॉलिड के अंदर हो, जब गैस सॉलिड के अंदर हो, ये क्या है भाई, गैस सॉलिड के अंदर का मतलब क्या हो गया, गैस सॉलिड के अंदर हो गया बच्चों स्पंज, स्पंज होता है आपके घरों में, ठीक है, बेड वेड सारे स्पंज विस्पंज के आजकल बन रहे हैं, तो जब आप बेड पे बैठ जाते हो, स्पंज के होल में से हवा निकल जाती है और आपका कुशन टाइप बन जाता है, लेकिन जब आप उठते हो तो दोबारा हवा नहीं घुस जाती सॉलिड में, तो सॉलिड में क्या घुस रही है, हवा घुस रही है, तो स्पंज इसका एग्जाम्पल हो गया, और इसको सॉलिड फॉर्म कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, सॉलिड फॉर्म कहते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन का नाम हो जाएगा सॉलिड फॉर्म, क्या नाम हो जाएगा सॉलिड फॉर्म। तो आया आपको कैसे कैसे करा हमने, तो यहाँ पे सॉलिड को सॉल्वेंट लेना है, सॉलिड को भी सॉल्वेंट लेना है, और थोड़ा सा सॉल्यूट सॉलिड में मिलाएंगे, थोड़ा सा लिक्विड सॉलिड में मिलाएंगे, थोड़ा सा गैस सॉलिड में मिलाएंगे, ठीक है, सॉलिड की मात्रा ज्यादा रहेगी और सॉलिड लिक्विड गैस की मात्रा कम रहेगी, तो ये आपके 3 तरह के सॉल्यूशन हो गए, ठीक है। मैंने बोला ना टोटल 9 पढ़ने, तो पहला हो गया, पहले में हमने 3 पढ़ लिए, अब पढ़ते हैं लिक्विड सॉल्यूशन, इसका मतलब हमारा जो सॉल्वेंट है वो कौन होगा, लिक्विड, तो यहाँ पे सॉल्वेंट क्या होगा लिक्विड, सॉल्वेंट क्या होगा लिक्विड, और सॉल्वेंट क्या होगा लिक्विड। अब इसके अंदर मैं सॉल्यूट डालूंगा, तो एक बार मैं सॉलिड डाल देता हूं, एक बार मैं सॉलिड डाल देता हूं लिक्विड के अंदर, तो बच्चों बताओ सॉलिड डालूंगा लिक्विड के अंदर तो क्या बन जाएगा, बताओ क्या बनेगा, तो इसको बोलते हैं सॉल बन जाएगा, क्या बन जाएगा सॉल, जब भी कोई सॉलिड लिक्विड के अंदर जाएगा तो सॉल बन जाएगा, जैसे नमक को पानी के साथ मिला दो, नमक को पानी के साथ मिला दो तो क्या बन गया आपका सॉल बन गया, इसे सॉल कहेंगे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, अगर लिक्विड को लिक्विड के अंदर मिला दो तो बच्चों, लिक्विड को लिक्विड के अंदर मिला दो तो क्या कहेंगे, तब उसे कहते हैं बच्चों इमल्शन, क्या कहते हैं उसे इमल्शन, और आप लोगों के पेपर में इमल्शन बहुत बार आ चुका है कि व्हाट इज इमल्शन, तो आप बोलोगे व्हेन लिक्विड पार्टिकल्स, लिक्विड ड्रॉपलेट्स, ठीक है,
डिस्पर्स इन लिक्विड मीडियम, लिक्विड को जब लिक्विड मीडियम के अंदर डालते हैं तब जाके आपका इमल्शन बनता है, तब जाके आपका क्या बनता है, इमल्शन। तो इमल्शन आपका बहुत सारी चीजों का बन सकता है, जैसे इथेनॉल इन वाटर, जैसे इथेनॉल इन वाटर ये आपका इसका इमल्शन बन जाएगा, ऑयल और वाटर का इमल्शन बन जाएगा बच्चों, ठीक है। पेंट वेंट डाई वाई जो बनते हैं वो सब कुछ इमल्शन होता है आपका। और बच्चों आप गैस जब पानी के अंदर डालोगे तो क्या बनता है, तो क्या बनता है, कोल्ड ड्रिंक बनती है बच्चों, क्या बनती है, कोल्ड ड्रिंक, जिनको कार्बोनेटेड ड्रिंक भी कहते हैं, जिनको कार्बोनेटेड ड्रिंक भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए एग्जांपल ओटो इन वाटर हो गया, ओटो इन वाटर। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको ये छह सॉल्यूशन पढ़ने आ गए होंगे। तो ये सॉलिड के लिए है और ये लिक्विड के लिए है, यहाँ पे लिक्विड एज अ सॉल्वेंट है, यहाँ पे सॉलिड एज अ सॉल्वेंट है। सॉलिड के अंदर सॉलिड, लिक्विड और गैस डाल रहे हैं, लिक्विड के अंदर सॉलिड, लिक्विड और गैस डाल रहे हैं। तो ये कैटेगरी आपको याद रखनी है और ऐसी कैटेगरी अब हम करेंगे गैस सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। तो जल्दी जल्दी आप इसे नोट करिए, फिर गैस सॉल्यूशन के लिए करते हैं बच्चों। ओके बच्चों चलिए बताइए यहाँ पे सॉल्वेंट कौन होगा, हेडिंग पढ़ के बताइए अगर दो चीजें समझ चुके हो तो। सॉल्वेंट कौन होगा, सॉल्वेंट होगा गैस, सॉल्वेंट होगा गैस, गैस एंड गैस। अब गैस के अंदर क्या डालेंगे बच्चों, गैस के अंदर सॉलिड डालेंगे, आप इमेजिन कर रहे होंगे कैसा सॉलिड डालेंगे, ये मैंने एक मार्कर गैस में फेंका। तो बच्चों कुछ कुछ सॉलिड के लिए होता है, जैसे आपके पास राख हो गई, ऐश हो गई, आपने कुछ कूड़ा कचरा जला दिया तो उससे जो राख होती है, राख आपकी हवा में फैल रही है तो वो भी एक तरह का क्या बोलते हैं, गैस, सॉलिड गैस में जा रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग स्मोक करते हैं, सिगरेट विगरेट पीते हैं, उसका जो ऐश होती है सिगरेट की, वो भी धीरे धीरे हवा में जा रही है, तो सॉलिड किस में जा रहा है बच्चों, गैस में जा रहा है। और बच्चों इसका एक टेक्निकल नेम लिखा गया तो वो एग्जाम्पल में लिखा देता हूँ मैं आपको, इसे एरोसॉल कहते हैं और एरोसॉल पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। एरोसॉल का मतलब होता है, एरोसॉल का मतलब ये होता है व्हेन सॉल्यूट पार्टिकल, व्हेन सॉलिड पार्टिकल डिस्पर्स इन गैस मीडियम। आप डेफिनेशन भी लिख सकते हो, व्हाट इज एरोसॉल, व्हेन सॉल्यूट पार्टिकल, व्हेन सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल, व्हेन सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल डिस्पर्स इन गैस मीडियम इज कॉल्ड एरोसॉल, उसे एरोसॉल कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, एरोसॉल। और बच्चों अगर हमारा जो लिक्विड है वो अगर गैस के अंदर जाता है उसे भी एरोसॉल कहते हैं, उसे भी एरोसॉल कहते हैं। जैसे आपका परफ्यूम हो गया, तो परफ्यूम आप लगाते हो तो परफ्यूम जैसे मैंने यहाँ से छिड़का, लेकिन हमारी हवा इतनी बदतमीज है कि हवा में परफ्यूम पहले चले जाता है और हमारी बॉडी में बाद में लगता है, ठीक है। हेयर स्प्रे आप करते हो तो हेयर स्प्रे जब आप कर रहे होते हो तो हवा पहले हेयर स्प्रे को एब्जॉर्ब कर लेती है, तब कुछ बच्चा कुछ हेयर स्प्रे हमारे सरों पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एरोसॉल कहते हैं इसे। तो आप एरोसॉल की डेफिनेशन एक कह सकते हो, व्हेन सॉलिड एंड लिक्विड डिस्पर्स इन गैस मीडियम, व्हेन सॉलिड एंड लिक्विड डिस्पर्स इन गैस मीडियम इज कॉल्ड एरोसॉल, ऐसे कह सकते हो। और गैस में आप मिक्स करोगे तो होता है एटमोसफियर का हो ही गया, एटमोसफियर में बहुत सारी गैस मिक्स है आपस में। तो क्लियर हो गया आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दुख कोई तकलीफ, तो बच्चों मिटा दें इसको। तो ये थोड़ा इंट्रोडक्शन था सॉल्यूशन का। तो टोटल हमारे कितने सॉल्यूशन होते हैं, तीन सॉल्यूशन होते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैस सॉल्यूशन, और उनकी तीन तीन कैटेगरी होती है। तो टोटल मिला के 9 सॉल्यूशन हो जाते हैं, टोटल मिला के कितने हो जाते हैं, 9 सॉल्यूशन। अब इसके बाद जो हमें पढ़ना है बच्चों, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, जिसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्या पढ़ना है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे यहां पे मेरे पास एक कंटेनर हो गया और यहां पे मेरे पास एक कंटेनर हो गया, ये दो कंटेनर हो गए बच्चों मेरे पास, यहां पे इसमें भी कुछ वाटर है और इसमें भी कुछ क्या है, वाटर है, ठीक है। यहां पे मेरे पास जो वाटर है, यहां पे जो मेरे पास वाटर है, ये मैंने एक लीटर यानी कि फिक्स ले लिया, और यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं 5 मोल कुछ डाल रहा हूं और यहां पे मैं 1 मोल कुछ डाल रहा हूं, 1 मोल सॉल्यूट यहां पे डाल रहा हूं। तो यहाँ पे जो 5 मोल होंगे वो चारों तरफ ऐसे फैल जाएंगे, यहाँ पे जो 1 मोल होंगे वो भी ऐसे फैल जाएंगे। तो आप मुझे बताओ इसकी कंसंट्रेशन अगर C1 मान लो और इसकी कंसंट्रेशन अगर C2 मान लो, तो बताओ किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। पानी यहाँ पे फिक्स कर दिया, सॉल्वेंट यहाँ पे मैंने फिक्स कर दिया, सॉल्यूट यहाँ पे अलग अलग है, यहाँ पे 5 मोल है, यहाँ पे 1 मोल जा रहा है, तो किसकी कंसंट्रेशन कम और किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा। तो आपका जवाब होगा जिसमें ज्यादा मोल जा रहे होंगे उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, जिसमें कम मोल जा रहे होंगे उसकी कंसंट्रेशन कम होगी। तो बिल्कुल सही। तो यहां पे आपका जो C1 है वो ग्रेटर देन है C2, इसका मतलब कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड कर रही है, सॉल्यूट पे डिपेंड कर रही है, किस पे डिपेंड कर रही है, सॉल्यूट।
क्योंकि सॉल्वेंट भी बड़ा घटा सकते हो आप, लेकिन सॉल्वेंट को ऐसा फिक्स रखा गया कि सॉल्वेंट को फिक्स रखेंगे, सॉल्यूट कम ज्यादा करके देखेंगे। डेफिनेशन तो दोनों से बन सकते हैं, पर मेन डेफिनेशन जो है वो सॉल्यूट की बनाई गई बच्चों। अब आप मुझे बताओ, एक गिलास पानी है, एक गिलास पानी में मैंने आधा चम्मच आपको नमक घोल के दे दिया और आपने पी लिया, आपको ठीक लगा। लेकिन उसी एक गिलास पानी में अगर मैं 3 चम्मच या 5 चम्मच आपको नमक घोल के दे दूं तो आपको ज्यादा खारा लगेगा। तो किसमें नमक की क्वांटिटी ज्यादा हो गई 5 चम्मच वाले में, और किसकी क्वांटिटी कम हो गई आधा चम्मच वाले में। तो समझ रहे हो ना आप बात, इसका मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे कंसंट्रेशन डिपेंड करता है। जितना ज्यादा आप अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बढ़ाते जाओगे उतना ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रहा है। जितना ज्यादा अमाउंट बढ़ेगा उतना ज्यादा कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा। अगर हम वॉल्यूम को फिक्स कर दे, अगर हम सॉल्वेंट को क्या कर दे, फिक्स कर दे, तो यहां पे डेफिनेशन ये बनती है, डेफिनेशन ये बनती है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। उसको कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहा जाता है। और बच्चों ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालने के ना बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, बहुत सारी यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन होती हैं जो कि हम पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा मेन टारगेट है। और यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन में आप क्या क्या पढ़ोगे बच्चों, आप पढ़ोगे मास परसेंटेज, ठीक है, आप पढ़ोगे वॉल्यूम परसेंटेज, आप पढ़ोगे मोलैरिटी, पढ़ोगे मोलैरिटी, आप पढ़ोगे मोलैलिटी, पढ़ोगे आप पढ़ोगे मोल फ्रैक्शन, पढ़ोगे मोल फ्रैक्शन पढ़ोगे, और 5 हो गए ना, और 6 आप पढ़ोगे नॉर्मैलिटी पढ़ोगे, 7th आप ppm पढ़ोगे जिसको पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं, और 8 आप पढ़ोगे फॉर्मेलिटी। तो बच्चों ये सारी की सारी चीज़ें, जो 8 चीज़ें हैं, ये आगे के टॉपिक में कंटिन्यू होगी, और आगे के टॉपिक में मास वॉल्यूम मोलैरिटी पर मैं सारी चीज़ें आपको बता दूंगा, ठीक है। मोलैरिटी के कुछ क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे अगली वीडियो में। तो अभी के लिए इंट्रोडक्टरी लेक्चर यहीं तक ही है, और बाकी जो डिस्कस कर रहे हैं आगे का मैंने आपको बता दिया, ये कंप्लीट करेंगे अच्छे से, और ये कंप्लीट हो जाएगा आपका 3 से 4 वीडियो में। उसके बाद जाकर आगे की बात फिर सॉल्यूशन के शुरू करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इंट्रोडक्शन अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ठीक है, शेयर करना यार, कंजूसी मत करना, जो लाल वाला बटन है उस पर जितनी भड़ास निकाल दे निकाल लो, लेकिन दब जाना चाहिए वो, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।